हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निदान द सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग जो आपका सेंट्रल बैंक है अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का, तो उसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में, वेदर आपके स्टेट पीसीएस हो या आपके अदर वन डे एग्जाम हो, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो पहला आपका इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि इस्टेब्लिश कब किया गया, तो ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। और इसके लिए कौन सा एक्ट पास किया गया था, तो इसके लिए आपका जो एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934। और अगला क्वेश्चन आता आपका, ये किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा एक कमेटी इस्टेब्लिश करी गई थी, कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। और कब इस्टेब्लिश करी गई थी ये 1926 में। और जब ये इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय ये प्राइवेटली ओन्ड था, मतलब गवर्नमेंट के ने स्पॉन्सरशिप नहीं किया था, एक तरह से जैसे ICICI आपका बैंक है अभी या HDFC है, इस तरह से ये भी आपका प्राइवेट बैंक था। लेकिन फर्दर इसका आपका नेशनलाइजेशन हुआ, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है, तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ आपका, राष्ट्रीयकरण हुआ आपका 1949 में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो इसका फर्स्ट गवर्नर जो था वो थे आपके सर ओ स्मिथ। और ये आपके गवर्नर कब से कब तक रहे, ये रहे आपके 1935 से 1937 तक। लेकिन बस कम से कम ये है तो याद रखिएगा जो इसके फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, सर ओ स्मिथ। और इसके जो इंडियन गवर्नर थे वो जो इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। और ये कब से कब तक रहे, ये आपके रहे 1943 से लेके 1949 तक। और ये भी क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया है कि आपके कौन से ऐसे फर्स्ट PM है जो कि आपके पहले आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं, तो अभी तक सिर्फ एक ऐसे PM है जो आपके गवर्नर भी रहे हैं पहले, उनका नाम है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है आपका महाराष्ट्र मुंबई में। तो ये पहले जो स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय इसका हेडक्वार्टर था आपका कोलकाता में, बाद में इसको शिफ्ट करके आपका मुंबई किया गया। उसके अलावा जो आपका आरबीआई है इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि आरबीआई को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो इसको कंट्रोल किया जाता है इसके लिए आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। और इसके डायरेक्टर्स में कौन कौन होते हैं, एक तो आपका आपका गवर्नर होता है, उसके अलावा आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसके अलावा इसमें जो होता है आपका 16 डायरेक्टर्स होते हैं। और 16 डायरेक्टर्स किस किस तरह से अपॉइंट होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, तो 4 तो आपके जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, उसके अलावा 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो 10 वेरियस फील्ड से होते हैं ये आपके गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। और जो हमने ये बात किया कि ये 4 रीजनल होते हैं, तो ये कौन कौन से रीजनल होते हैं, एक तो आपका होता है ये बेस्ट रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये आता मुंबई से, और ये आता ईस्ट वाले को कलकत्ता रिप्रेजेंट करता है, साउथ वाले को रिप्रेजेंट करता है चेन्नई, और आपका नॉर्थ वाले को रिप्रेजेंट करता है आपका दिल्ली। तो हमने बात किया कि इसके डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं, तो टोटल 16 डायरेक्टर्स इसके होते हैं। उसके अलावा एक ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इंडिया को IMF में कौन रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इंडिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कौन रिप्रेजेंट करता है, वेदर फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, या RBI करता है, या SBI का नाम दे देंगे। तो याद रखिएगा IMF में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता आपका RBI। तो अब ये देख लेते हैं इसके बाद में कि कौन कौन से डेनोमिनेशन अर्थात किस किस रुपये कितने कितने रुपये के नोट कौन कौन इशू करता है। तो आपके जितने भी कॉइनेज हैं वो आपका मिंटिंग की सोल अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और जो आपका 1 रुपये का नोट है वो भी आपका कौन पब्लिश ऑथराइज्ड है इशू करने के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस पर साइन किसके होते हैं, उस पर साइन होते हैं आपके जो आपका फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके उस पर साइन होते हैं। लेकिन उसके अलावा यदि हम बात करें कि 2 रुपये या उससे ज़्यादा के जो नोट्स होते हैं उस पर आपके किसके साइन होते हैं, उस पर साइन होते हैं आपके गवर्नर के। तो उस पर उसको जो सोल अथॉरिटी है इशू करने की वो किसके पास है, वो आपकी पावर है आपकी RBI के पास में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैक्सिमम कितने तक का नोट छापा जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक का कॉइन छापा जा सकता है। तो मैक्सिमम आपका 10,000 तक का नोट छापा जा सकता है, और जो आपका मैक्सिमम कॉइन है वो अबाउट 1,000 तक का कॉइन आपका छापा जा सकता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है, जो आपकी करेंसी होती है जो आपके नोट्स होते हैं उस पर आपके कितनी लैंग्वेज में वो लिखा रहता है कि ये इतने रुपए का नोट है, तो आपका 15 लैंग्वेज में लिखा रहता है।
और ये काफ़ी ज़्यादा, अगला जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में भी था। ये है आपका जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है, जो आपका पहले अब जून से लेके अप्रैल जुलाई तक होता था, इन द सेंस ये आपका स्टार्ट होता था 1 जुलाई से और एंड हो जाता था आपका 30 जुलाई को। इसको अब चेंज कर दिया गया, ये आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं, ये अब चेंज कर दिया गया है। अभी तो ये 2020 में तो ये यही रहेगा, लेकिन जब 2020-21 स्टार्ट होगा तो उससे आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा, अकाउंटिंग ईयर आरबीआई का कौन सा हो जाएगा, फिर आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है आपका 1 जुलाई टू 30 जून, अभी चल रहा है आपका ये वाला। उसके अलावा जैसे कि आपका किसी भी बैंक में गवर्नमेंट के शेयर होते हैं, प्राइवेट के भी शेयर हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि सेंट्रल बैंक है तो ये आपका पूरा पूरा गवर्नमेंट ओन्ड है। उसके अलावा जो आपका आरबीआई है, इसके ट्रेनिंग कॉलेज भी हैं, तो वो भी देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ पे है। तो इसके जो ट्रेनिंग कॉलेज हैं आपके, वो आपका है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, ये आपका चेन्नई में, और इसका दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, ये आपका कहाँ पे है, पुणे में। तो पूछ सकता है कि आपका रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, तो ये आपका है चेन्नई में। उसके बाद में हम लोग आरबीआई का लोगो भी देख लेते हैं। तो लोगो में आपका जो है, ये आपका टाइगर है, जो स्टार्टिंग में इशू किया गया था लोगो, उसमें लोयन होता था, लेकिन इसको बाद में चेंज किया गया तो इसका टाइगर है और इसमें पाम ट्री भी होता है इसके सिंबल में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा आरबीआई से रिलेटेड जितने भी अभी तक एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं या आ सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर किए हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आरबीआई का किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, क्या उसका टेन्योर होता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है, फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबीआई के फंक्शन के विषय में। इसी तरह से हम लोग ये अपनी सीरीज, जो इकोनॉमी वाली सीरीज है, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।